मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला चंबा के झुलाड़ा गांव में हुए हादसे में 3 लोगों की मृत्यु पर जताया शोक। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दिवंगत आत्माओं की शांति व शोकाकुल परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला के निगुलसरी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर गत रात भारी भूस्खलन से सड़क कटने के कारण अवरुद्ध मार्ग का किया निरीक्षण। संबंधित विभागों के अधिकारियों को अवरुद्ध हुई सड़कों को युद्ध स्तर पर कार्य कर बहाल करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा, समग्र व्यक्तित्व निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका। शांडिल ने ऐतिहासिक ठोडो मैदान में सोलन हॉकी क्लब द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों व अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कही ये बात। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला की कल्पा ग्राम पंचायत का दौरा कर विभिन्न निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। इस अवसर पर निर्माणाधीन कार्यों से संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी कार्यों को गति प्रदान कर निर्धारित समय पर पूर्ण करने के दिए निर्देश। हमीरपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में जमीन धंसने की 5 साइट को किया गया चिन्हित। जमीन धंसने के चलते करीब 20 परिवार हुए हैं प्रभावित। जिला प्रशासन ने आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तैयारियां की शुरू। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा मंडी द्वारा वित्तीय व डिजिटल साक्षरता शिविर का आयोजन। उपस्थित स्थानीय लोगों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंक व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में करवाया गया अवगत। IIT मंडी के डायरेक्टर प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा का अजीबोगरीब बयान सोशल मीडिया पर वायरल। कहा, हिमाचल में लोगों द्वारा जानवरों को मारकर मांस खाने के कारण यहां पर प्राकृतिक आपदा के कारण आई त्रासदी। IIT के ही एक कार्यक्रम में उपस्थित स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कही थी उन्होंने ये बात। जिला मंडी के सुंदरनगर में जायका परियोजना के तहत चतरोखड़ी में प्राकृतिक खेती के उत्पादों की बिक्री के लिए स्वयं सहायता समूह उत्पाद विक्रय केंद्र शुरू। इस केंद्र में न केवल प्राकृतिक खेती के उत्पाद व दूध पनीर सहित अन्य निर्मित खाद्य सामग्री बिक्री के लिए होगी उपलब्ध। शिमला के होली हेवन पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह कालीबाड़ी हॉल में आयोजित। कार्यक्रम में भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा मुख्य अतिथि के रूप में रहे उपस्थित। कहा, बच्चे भारत का भविष्य, इन्हें प्रशिक्षण देने में माता पिता और गुरुओं की रहती है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका।